और अभी सियालकोट से खबर देंगे, गोहतपुर रोड चस्का बयानी में पड़े सिलेंडर को अचानक आग लग गई। रेस्क्यू 11 बाइक की फायर व्हीकल ने बरवक्त रिस्पांस करके आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक लिया। फायर ऑपरेशन में रेस्क्यू की 2 फायर व्हीकल ने हिस्सा लिया। गोहतपुर रोड चस्का बयानी में पड़े सिलेंडर को अचानक आग लग गई। रेस्क्यू 11 बाइक की फायर व्हीकल ने बरवक्त रिस्पांस करके आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक लिया। फायर ऑपरेशन में रेस्क्यू की 2 फायर व्हीकल ने हिस्सा लिया। सियालकोट डस्का से समरिया रोड पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शफीक इलेक्ट्रॉनिक में आग की इत्तला पर रेस्क्यू की कार्रवाई। रेस्क्यू की 3 फायर व्हीकल और 2 एम्बुलेंसेज जायद कुआ पर पहुंच गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक दुकान के ऊपर मौजूद घर में चंद अफराद फंसे हुए थे। रेस्क्यूअर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके फंसे हुए 13 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यूअर्स ने 30 मिनट की अंतक जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सारसाला शमा जोजा शफीक को रेस्क्यू करने के बाद इब्तदाई तबीयत इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग लगने से 5 लाख का बिजली का सामान जल गया, जबकि रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से 70 लाख मालिक का सामान और बिल्डिंग को बचा लिया गया। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहें कैनल न्यूज़ लाइव।